टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। दर दर भटकती रही माँ डेथ सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन 13 घंटे बाद भी नहीं मिली डेथ सर्टिफिकेट। ये मामला काफ़ी हैरान परेशान कर देने वाली है। आज सुबह 5 बजे करीब ये घटना घटी है। पूरा दिन बीत गई मगर काफ़ी कोशिशों के बाद भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिली। दरअसल ये घटना रसीद कंपाउंड श्रीलंका जुबली पार्क की है। 14 घंटे बाद अंत में शव को पुलिस पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए कलवा शिवाजी में भेज दिया गया है। दरअसल कुछ लोगों से जानकारी मिली कि मृतक जिसकी मौत हुई है उसके मुंह पर कई साल पहले एसिड फेंका गया था, जिसके कारण मृतक लड़की का चेहरा जल गया था। यही वो कारण से डेथ सर्टिफिकेट देने से लोगों ने इनकार कर दिया। सुनिए मृतक लड़की की मां ने क्या कुछ कहा है। और फिर उसके बाद में उल्टी बुलटी कुछ भी नहीं हुई। हाँ। कल अच्छा खासा खाना भी खाई, दवा भी खाई, रात को सोई, नारियल पानी पी। हाँ। वो सब पी, आराम से पी। फिर कैसे मालूम पड़ा कि डेथ हो गई? मतलब मैं सुबह 5 बजे तक उसी का मालिश विलिश कर रही थी ना, बोली अम्मी पीठ बहुत। पहले से बीमार थे? नहीं, पहले से कभी नहीं बाबा, अगर रिया होता तो मैं कभी ये कर लेती। कल ही 2 ही दिन हुआ था। ये कौन है आपके? मेरी लड़की है वो। अच्छा, लड़की है आपकी। तो अभी मतलब यहाँ पे तकलीफ क्या आई? डेट कभी हुई? और सुबह 5:30 तो सुबह से आप घर में ही रखे हैं? घर में ही है। क्या? ये नहीं ले रहे ना। क्या ये लोग डॉक्टर लोग गरीब लोग है ना। अच्छा, इसके लिए मतलब पैसे वाले रिये होते तो क्या क्या नहीं था आपके पास? मतलब जो है अभी मतलब हर एक चीज है, उसका जो चेहरा जो है ना जला हुआ है ना। हाँ। उसके ऊपर ये लोग एप्लीकेशन लिखा है, ज्यादा लगाए। अच्छा। दूसरा कुछ नहीं, मतलब डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। हाँ, सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। और उसको ऐसा वो कोई दूसरा ऐसा कोई था कस्टमर, वो एसिड मार के कहाँ ला पता हो गया, पता ही नहीं उसका, मर गया जिंदा है ये नहीं पता। 15 साल हो गया और ये लोग अभी उठा रहे। तो आप कहाँ कहाँ गए थे सर्टिफिकेट के लिए? किस किस के दरवाजा खटखटाए? किसको बोले आपने जो नहीं हो पाया? भाई कहाँ कहाँ गए थे बताओ। मेरा नाम मोहम्मद आशिक अली है, मैं गुसल का काम करता हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़्यादातर डॉक्टर लोग से ही पहचान हमारी, तो मैं करीबी हमारे जो जुगली पार्क में डॉक्टर जमाल है, तो मैंने पहले इनसे रब्ता किया और मैं बताया कि आपके बाजू बिल्डिंग में 8 माले पे इंतकाल हुआ लेडीज़ का, जिसकी उम्र 28 साल है और वो गरीब है, उसके मतलब बाप नहीं है, भाई नहीं है और ना शोहर है उसका, कोई नहीं, खाली माँ है, बहन माँ है, बेटी है उसकी, जिसका इंतकाल हुआ। और 2 दिन खाली उसको लूज मोशन हुआ, उसके बाद वो अपने फैमिली डॉक्टर राजकुमार से दवा कल शाम में लेकर आए थे और दवा देने के बाद में फिर सुबह में गालिबन 5:30 बजे इनका इंतकाल हो गया। और मैंने 7:45 बजे मस्जिद से जब निकला बाहर, नमाज से बाहर जब निकला तो हमारे यहाँ बाबू भाई जो पानी देते हैं उसी बिल्डिंग में, तो मुझे आवाज़ दिए, बोले आशिक भाई ज़रा ऐसा ऐसा मामला है, एक लड़की का मामला हुआ है, फिर आप देख लीजिए, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल खालिक के हाथ के नीचे मैं काम करता हूँ, मैं कहीं भी ऐसा होता है तो मुझे भेजते हैं डेड बॉडी देखने के लिए, तो मैं चेक करता हूँ, जब मैं कंफर्म करता हूँ तो वो सर्टिफिकेट देते हैं, तो ये मैं हमेशा मुझे हर जगह भेजते रहते हैं। तो मैं उस हिसाब से गया देखने के लिए, तो लड़की इंतकाल कर चुकी थी, नहीं थी वो, तो मैंने बता दिया कि भाई लड़की अब नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर जमाल से, मैं आ जाऊँगा क्लिनिक पर, तब आना मैं आपसे बात करूँगा। तो मैं क्लिनिक पर उनकी जब आया मैं, तो इनकी क्लिनिक भी बाजू में देखो सामने, इधर ही क्लिनिक भी है। उसके बाद उनसे बात किया तो क्या बोले, भाई जो मेरे से दवा लेता है मैं सिर्फ उसको देता हूँ डेथ सर्टिफिकेट, बाकी दूसरे को नहीं देता हूँ मैं। उसके बाद मैंने डॉक्टर राजकुमार से बात किया तो डॉक्टर राजकुमार क्या बोले कि मेरे पास इसका जो है एसी ख़त्म हो चुका है, एनओसी यानी जो डेथ सर्टिफिकेट का कागज़ है वो ख़त्म हो चुका है, मेरे पास नहीं है लॉकडाउन के वक्त से, और मैं बीमार भी था उस वक्त से, नहीं है मेरे पास। तो मैंने डॉक्टर अब्दुल खालिक के पास गया, मैं उनको पहले मामला बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है भाई, फी सबिल्लाह काम करना है, ये चीज़ करना है, तो बोले ठीक है, तो बोले उसका फ़ोटो लेकर आ जाइए आप। तो लेकर गया, जब देखने बाद बोले भाई 5 जन की मुझे आधार कार्ड चाहिए, साइन किया हुआ नंबर चाहिए, बोला ठीक है वो भी देता हूँ, मैं बोला पहले मेरा नंबर ले लीजिए आप। मैंने अपना आधार कार्ड दिया, नंबर लिख के दिया, साइन भी किया मैंने, उसके बाद बोला तो बोले भाई इसके माँ है तो माँ को बुला लीजिए। तो माँ को जब लेके गया तो माँ से क्या पूछे कि जो ये लड़की के एसिड मुँह पे डाला वो आदमी कहाँ है, तो इनके जबान हड़बड़ाहट में निकल गया वो जेल में है, बस इतना बोलना था, बाकी बात पीछे नहीं सुने कि क्यों जेल में गया, कौन था, क्या है, इन्होंने बताने लगी उसका आदमी नहीं था, वो सब बताने, लेकिन वो नहीं सुनने वाला जी, सिर्फ उसी इशू को लेकर वो बोले हमको नहीं देना, आप जिससे बनवाना है बनवा लो। अब जिस डॉक्टर के पास जाते हम, वही डॉक्टर बोलता भाई डॉक्टर अब्दुल खालिक के पास जाओ,
अब वही बात जवाब देते, बाकी कोई तैयार नहीं हुआ बनाने के लिए। और इसी में कसम कसम इतना करते करते ये टाइम हो गया। कितने घंटे अभी तक हो गए? गालिबन 13 घंटे से ऊपर हो गया। 13 घंटे से ऊपर? जी हाँ, जबकि 11 बजे से मैं खुद दौड़ रहा हूँ मैं डीसी के लिए। पहले डॉक्टर जमाल के पास गया, फिर डॉक्टर अनस को, इनका राजकुमार को लगाया, फिर डॉक्टर अब्दुल खाली के पास, उनके पास मुझे 3:30 बजे जवाब दिए कि मैं डीसी नहीं दूंगा मैं। तो अब जो है अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिली है, लगभग 13 से 14 घंटा हो चुका जी हाँ। अब कहाँ पर जो है मतलब ये डेड बॉडी कहाँ लेकर जाया जा रहा है? ये कलवा हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है अभी। अच्छा, वहाँ पीएम के लिए ले जाया जा रहा है।